पहले देखते हैं कि एलिफ कहाँ है। एलिफ बेटा, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, बस बैठी हुई पिकापा। ये बताओ, तुम्हारी सजा खत्म हो गई क्या? कैसी सजा? क्या हुआ था तुझे? ये दोनों बहुत बुरी तरह लड़ाई कर रही थीं। तो फिर मैंने इन दोनों को रुमाल गीला करके दिया और इनसे कहा कि इसके सूखते ही नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए। फिर जानती है इन्होंने क्या किया? क्या किया? ये तो टूचे से पूछे, रुमाल और गीला करती गई, बार बार गीला किया टूचे। और सिर्फ इतना ही नहीं किया इसने, फिर टूचे ने एलिफ पर पानी फेंकने के चक्कर में पूरा गिलास आप जानती हैं किस पर फेंक दिया? अपनी दादी को नहला दिया। हद है, इसने अम्मी को भी नहीं छोड़ा। हाँ, फिर इसकी अम्मी ने इसे सजा दी। ठीक कहा ना? और फिर एलिफ ने जाकर टूचे को बचाया, तब जाके कमरे से बाहर आई। बहुत अच्छा किया एलिफ जान। वो मुझे बुरा लगा कि ये अकेली है और पिकापा इसने अपने फेवरेट कुकीज भी नहीं खाए थे। बहुत अच्छा किया, अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं। अच्छा चलो, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? मुझे सरप्राइज बहुत पसंद है। क्या सरप्राइज है आपके पास, जल्दी से बताए ना। बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा बेटा? कहाँ है हमारा सरप्राइज, जल्दी बताएं ना। सरप्राइज कहाँ है पिकापा, आप हमें जल्दी बताएं ना कहाँ है। अच्छा, तो सरप्राइज ये है, मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनाएंगी? ये कैसा सरप्राइज है? अच्छा, आप कहानी सुनाएंगी? मैं बहुत शौक से सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है, दो शहजादियाँ बहने हुआ करती थी। एक शहजादी बहुत अच्छी थी और दूसरी बहुत बुरी शहजादी थी। अच्छी शहजादी लोगों की मदद किया करती थी। वो शहजादी जिस चीज को हाथ लगाती थी वो भी खूबसूरत हो जाती थी। वो कैसे आनी? इस बारे में मुझे नहीं पता टूचे, लेकिन उस शहजादी के आसपास फूल खिल जाया करते थे। रंग बिरंगी फूल खिलते थे? ठीक है, तो आनी फिर बुरी वाली शहजादी क्या करती थी? वो जब भी कहीं जाया करती थी तो आसपास की घास फूल सब मुरझा जाते थे और हर चीज बदसूरत हो जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर एक दिन वो बुरी वाली शहजादी बहुत बीमार हो गई। वो खुद एक मुरझाए फूल जैसी हो गई थी। सब बहुत उदास हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अच्छी वाली शहजादी उस बुरी शहजादी का ख्याल रखने लगी, उसको दवाइयाँ दी ताकि वो ठीक हो जाए। उसने उसका अच्छे से इलाज किया, उससे जो कुछ हो सकता था उसने वो सब कुछ किया उसके लिए। आपा, उसके बाद क्या वो ठीक हो जाती है? हाँ बिल्कुल हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बीमारी की वजह उसका बुरा होना था और अब वो एक अच्छी शहजादी बनकर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मतलब ये कि वो भी अच्छी बन जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगी और पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई टूचे। तो ये थी कहानी उनकी। तो अच्छी कहानी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी कहानी थी। आनी, अच्छी वाली शहजादी का क्या नाम था? टूचे नाम होगा ना उसका, क्योंकि मैं भी एक अच्छी शहजादी हूँ ना। या फिर एलिफ था उसका नाम? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए उसका नाम टूचे होगा। सही कहा ना आनी मैंने? बच्चों, मैंने क्या समझाया था आप दोनों को बेटा? खैर छोड़ो ये सब, चलकर कुछ और करते हैं। क्या करने वाली हैं पिकापा, बताएं ना हमें।
ये शीट अलिफ की है और ये शीट टूचे की। देखो इसे, आप दोनों के पास 10-10 स्टार्स हैं। हर एक ने 10 अच्छे काम करने होंगे। क्या मतलब इसका? बस कोई भी अच्छे काम करने होंगे। जब भी आप अच्छा काम करेंगे, मैं एक स्टार को कलर करूंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जो पहले 10 अच्छे काम करेगा, वो मुझसे जो चाहे मांग सकता है। ये। तो फिर मैं फन फेयर खेलने जाऊंगी और बहुत सारे झूले झूलूंगी। बहुत सारे एंजॉय करूंगी मैं। देखना मैं ही जीतूंगी। आनी बहुत मजा आएगा। ठीक है तुझे। तो फिर मैं अभी से तैयारी शुरू करती हूँ। आप क्या विश करोगी अलिफ बेटा? मैं अपनी अम्मी के साथ एक दिन पूरा गुजारना चाहूंगी।